हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मिलन सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आपका सीजीपीएससी का प्री कैसे गया है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कट ऑफ कम जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, दरअसल बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा था। लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने सीजीपीएससी के बुक लिस्ट डिस्कस की थी, लेकिन काफी लोगों का कंसर्न था कि सीजीपीएससी मेंस के लिए भी मैं एक बुक लिस्ट डिस्कस कर दूं। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो फॉर दैट। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको कोई वीडियो बताऊं, यहाँ पे मैं दो चीजें बोलना चाहूंगी। सबसे पहली चीज है, कोशिश कीजिए जहां तक हो सके अपने पर्सनल नोट्स बनाइए मेंस के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज देखो मेंस क्या होता है, मेंस में जो सीजीपीएससी का होता है, मेंस आपको पता होगा एक दिन में दो पेपर्स होते हैं और आपके पास रिवीजन का बहुत सारा टाइम नहीं होता, तो आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बुक से रिवाइज कर सको। तो बेटर होगा कि अपने क्रिस्प नोट्स बना के रखो ताकि रिविजन टाइम में आपको हेल्प मिले। थोड़ा पॉइंट पॉइंट लिख कर रखो, जैसे कि मान लीजिए उसमें पूछता है जो कल्चरी डायनेस्टी थी, इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पूछता है, सोशल सिचुएशन पूछता है, आर्किटेक्चुरल सिचुएशन पूछता है, तो आप पॉइंट्स में करके नोट्स बना के रखिए, सो दैट यू कैन रिवाइज। सेम गोज अलॉन्ग विद इंडिया एज वेल। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बुक लिस्ट मैं बता रही हूँ, यहाँ पर सजेस्टिव बुक लिस्ट है। आपको कोई और पसंद आती है, आप डेफिनेटली फ्री हैं उस बुक को चूज करने के लिए। ये सिर्फ सजेस्टिव बुक लिस्ट है जो मैंने खुद देखी है, मुझे लगा है कि हाँ एस्पायरेंट्स को हेल्प मिल सकती है, वो यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ बुक लिस्ट की बात करूंगी, मेंस का पैटर्न मुझे पता है। आई होप कि आपको पता होगा कि मार्क्स किस तरह के आते हैं। हर एक जो पेपर है वो थ्री सेक्शंस में डिवाइड होता है, एक्सेप्ट आपका एसे पेपर, और पर सेक्शन मार्क्स भी डिवाइड होते हैं। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बीच सेक्शन 2 से यानी कि पार्ट 2 से आते हैं, 15 मार्क्स के पार्ट 1 और पार्ट 3 से आते हैं। आई थिंक यू पीपल आर अवेयर ऑफ दैट, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। सो आई विल टॉक इन दिस वीडियो अबाउट द बुक लिस्ट ओनली, एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए बुक आपको सजेस्ट कर पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे जो आपको पता होगा टोटल 7 पेपर्स होते हैं यहाँ पे आपके सीजीपीएससी मेन्स में। जो फर्स्ट पेपर है ये आपका लैंग्वेज पेपर के नाम से जाना जाता है। हर पेपर के 3 सेक्शन है, जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसे के पेपर को छोड़ के। ठीक है, तो जो पेपर 1 है इसका पहला सेक्शन है जो कि जनरल हिंदी या फिर सामान्य हिंदी की बात करता है। ठीक है, इसका भी कुछ एक पर्टिकुलर सिलेबस है। देखिए, हिंदी के लिए व्याकरण की बहुत सारी बुक है, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रही हूँ, ये हरिराम की विशिष्ट हिंदी है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल काफी अच्छी है, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक डेफिनेटली काफी अच्छी आती है, बट एक प्रॉब्लम उसके साथ है कि वहां पे हमें चीजों को बहुत ढूंढना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ है। सो इन केस यू वांट टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ केओस, तो आप इस तरह की बुक ले सकते हैं जो स्पेसिफिकली सीजीपीएससी के लिए बनी है। दूसरे ट्यूटोरियल्स की भी आती है, ये बुक मैंने खुद पढ़ के देखी है एंड आई थिंक दिस इज प्रिटी फाइन। ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है एंड इट विल हेल्प यू आउट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से दी हुई है, सो आप डेफिनेटली इसके लिए दे सकते हैं। इसकी प्राइस 299 की है। वैसे टुटेजा की भी आती है, मुस्कान पब्लिकेशन की भी आती है, इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बोला, यू पीपल आर फ्री टू डू दैट। तो विशिष्ट हिंदी आप इन बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है आपकी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश के लिए एज सच अगर हम बुक्स देखें तो बहुत ही नॉर्मल लेवल की, आपके स्कूल लेवल की आती है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है तो यू विल बी एबल टू यू नो डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश, बट स्टिल अगर आप सजेस्टिव बुक चाहते हो तो आप ल्यूसेंट इंग्लिश ले सकते हैं या फिर परफेक्ट इंग्लिश की जो बुक आती है, दैट यू कैन डेफिनेटली रिफर टू। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर के, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, विच बुक यू वॉन्ट टू रिफर। एक और चीज है, जब आप शॉप में जाते हैं तो पहले 2-4 बुक्स को थोड़ा देखिए वहां पे कि आप कौन सी बुक के लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं, और फिर ही बुक परचेज कीजिए। जस्ट बिकॉज किसी ने सजेस्ट कर दिया है, ऐसा नहीं कि आप उसी को परचेस करेंगे, एक बार अपने कम्फर्ट लेवल जरूर देखिएगा उस बुक के साथ। ठीक है, सेक्शन 3 जो कि है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी की भी बहुत सारी बुक है, लेकिन मुझे आई थिंक कहीं ना कहीं हरिराम की ही बुक अच्छी लगती है जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण की ये बुक है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इनफैक्ट पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से डिस्कस्ड है, तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग दैट यू कैन रियली रेफर टू आई थिंक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, दिस इज डेफिनेटली हेल्पफुल। आपको चाहिए तो मैं एक एनालिसिस वीडियो भी बना दूंगी जिसमें कि हम सारे पेपर का एनालिसिस एक बार कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या फिर कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस कर सके। मेरे ख्याल से आपने छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रिपरेशन प्रिलिम्स के लिए भी की होगी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट प्रिलिम्स में भी है, उसमें अगर आपने कोई और बुक रेफर की है तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन।
ठीक है, पेपर टू की बात करें ऐसे, देखो ऐसे के लिए ऐसे कोई बुक तो नहीं आती है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो प्रीवियस ईयर्स में ऐसे के टॉपिक आए हुए हैं, दो में डिवाइडेड, आपको पता होगा, पहले में आपको नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से ऐसे लिखने के लिए मिलता है और सेकंड में स्टेट रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जैसे कि नक्सलिज्म, एडुकेशन, ट्राइबल इश्यूज एक्सेट्रा, जो स्टेट लेवल पे आते हैं, और एडुकेशन में जो नेशनल लेवल है उसमें जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होता है, ठीक है, उससे सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी अच्छी मैगजीन उठाइए, कोई भी अच्छी जो मंथली मैगजीन है जिसमें कि उस समय के जो बर्निंग इश्यूज है डिस्कस होते हैं, उसमें कुछ एसेज आए होते हैं किसी किसी बुक में, बस आप उनको रेफर कीजिए। चाहिए तो इसमें बहुत अच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र या योजना जैसी मैगजीन है, पीडीएफ भी आता है, वो आप रेफर कर सकते हैं, बिकॉज योजना कुरुक्षेत्र में पर्टिकुलर एडिशन एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिवोटेड होता है, तो आप वहां से अपना कंटेंट लिख करके रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, पॉवर्टी एलिविएशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, ये सारी चीजों पे आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे पेपर में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आई विल सजेस्ट कि आपको जो टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं उसका एक रफ मॉडल टाइप ऑफ बना के रख लीजिए, जैसे कि कोटेशंस हो गए, कुछ जो आपको कोट करना है, कोई डेटा है अगर कोट करने के लिए, इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज है, या मान लीजिए पॉवर्टी ही है तो पॉवर्टी रिडक्शन पे कोई अगर डेटा है, गवर्नमेंट स्कीम्स का कोई डेटा है, तो मेक श्योर कि आप उसको इंक्लूड करें। दैट इज फॉर एसे, देयर इज नो पर्टिकुलर बुक दैट यू शुड रिफर और यू कैन रिफर, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, पेपर थ्री की अगर हम बात करें, अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है पेपर थ्री, यानी कि जीएस वन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसके पार्ट वन में है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री मतलब मैं सब डिवाइडेशन नहीं बता रही हूँ, इंडियन हिस्ट्री के अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका स्टोन एज है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एंड देन यू हैव गुप्ता, मॉडर्न एम्पायर एक्सेट्रा, मिडिवल इंडिया भी इसी में है, मॉडर्न भी इसी में है। तो देखिए, आई विल सजेस्ट यू कि आप जो एंशियंट और मिडिवल का पार्ट है उसको आप तमिलनाडु की जो बोर्ड बुक है उससे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी रेफर करते आ रहे हैं या आर एस शर्मा रेफर कर रहे हैं, सतीश चंद्रा, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखिए उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आप उसका नेचर समझिए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2 मार्क्स से क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे वो आपको साइट्स के बारे में पूछता है, या ज्यादा से ज्यादा उसकी अर्बन प्लानिंग या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आ जाता है, जो उसका आर्किटेक्चर है, मड ब्रिक्स वगैरह का यूज होता था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न डायनेस्टी में आते हैं, गुप्ता डायनेस्टी में आते हैं, तो वहां पर आपको उन डायनेस्टी के जो उस समय के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स थे, सामाजिक परिवेश था, उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कोई बुक पहले से रेफर कर रहे हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर एंशियंट एंड मीडिएवल, और अगर नहीं कर रहे हैं तो तमिलनाडु बोर्ड बुक्स में सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसमें उसी तरीके से लिख के दिया हुआ है, तो आई थिंक वो आपको काफी हेल्प होगी, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। मॉडर्न की बात करूं तो स्पेक्ट्रम कोई और बुक में सजेस्ट नहीं करूंगी, स्पेक्ट्रम इज मोर देन इनफ, इनफैक्ट वो भी ज्यादा है अगर यहाँ के सिलेबस के हिसाब से देखें तो। उसमें आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है अगर आप सिर्फ मेन्स में फिलहाल प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मेन्स के टॉपिक को मेन्स के हिसाब से करके प्रिपेयर करिएगा, स्पेक्ट्रम की बुक है। इसके अलावा एक और सजेशन भी है, आप किसी और पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, मेरा मतलब है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस बुक, मतलब पिछले महीने मुझे ये बुक दिखी, आई थॉट लेट मी सी की कैसी है कि मैं आपको रिव्यू करके बता पाऊं। बुक इज प्रिटी फाइन, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिया हुआ है, जितना आपके सिलेबस में है बस उतना ही इस हरिराम की पटेल की बुक में लिखा हुआ है और उसी हिसाब से लिखा हुआ है। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस बुक को लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल पूरी तरह से सफिशियंट है, और वैसे भी आप प्रिलिम्स के लिए कोई और बुक यूज कर ही रहे होंगे बाय नाउ, सो आई थिंक जो आप यूज कर रहे हैं वही करिए, और अगर बिल्कुल ही नए हैं, कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप इसको चांस दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे सजेशन में ये नहीं है, बट क्योंकि मैंने इसको देखी है तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली मेंस के सिलेबस में जो भी चीजें दी हुई है वो यहाँ पर है, और हाँ ये हिंदी मीडियम है, इट्स नॉट इन इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगेन तमिलनाडु बुक्स आर द बेस्ट क्लास 11 की फॉर एंशियंट एंड मीडिएवल, और इफ यू आर रेफरिंग आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, ठीक है, मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज स्पेक्ट्रम भी कुछ ज्यादा है सीजी के सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जीएस वन यानी पेपर थ्री का सेकंड पार्ट, विच इज पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटी लक्ष्मीकांत एवरीबॉडी नो, उसके अलावा तो मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी का जो प्री का सिलेबस है उसके कंपैरिजन में मेंस का सिलेबस काफी कम है। प्री के सिलेबस के लिए हम पूरी लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, बट दैट इज नॉट द सेम केस व्हेन इट कम्स टू मेंस। तो आप ध्यान रखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है,
और थोड़ा सा उसको एनालिटिकल वे में सोचना पड़ेगा. प्री में क्या है, हमें पता है थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से थोड़े सब्जेक्टिव आते हैं तो हमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है, लाइक व्हाट माइट बी द नोशन बिहाइंड द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमें इस तरह से सोचना पड़ता है. तो वो थोड़ा सा सोच विचार करके आप अपने नोट्स बनाइए. पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर आप थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट की फिर भी हेल्प लेना चाहते हैं तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो प्रिटी फाइन है. इन केस आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं. और अगर आप ऑलरेडी पहले से लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसमें से चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं. तो देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपके पास कोचिंग के किसी भी कोचिंग के नोट्स है ना, तो आप बिल्कुल रेफर कर सकते हैं. मेरे पास भी यहाँ पे एक बुक है आपको शो करने के लिए, मैंने ये पिछले वीडियो में भी आपको दिखाई थी, डेस्टिनी पब्लिकेशन की है, पतली सी है, पाधा ये इसकी भी आती है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं. ये हिंदी मीडियम में भी आती है और आई थिंक टुटेजा की भी आती होगी, आई एम प्रीटी श्योर. तो ये मेरे पास डेस्टिनी की है, मैंने पढ़ के देखी है एंड आई थिंक इट इज प्रीटी फाइन, ये आपका हेल्प कर देगी. ध्यान रखिएगा कि पार्ट टू का वेटेज फिर भी थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू पार्ट वन एंड पार्ट थ्री, है ना, तो उस चीज को ध्यान रख के काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉलिटी के साथ में ही पब एड है, तो बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं घुस जाना है. तो दिस पर्टिकुलर बुक इज प्रीटी फाइन, डेस्टिनी पब्लिकेशन की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है एंड दिस इज इन इंग्लिश. तो फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर एन इंग्लिश मीडियम बुक, दिस इज प्रीटी फाइन. और एक और चीज, अगर आपको किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से तो यू कैन टेक दैट, पर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा बल्की बुक बिल्कुल ना ले लें. जैसे कि लक्ष्मीकांत की भी एक बुक आती है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको मत ले लीजिएगा, अच्छी बुक है पर आपको उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, थर्ड पार्ट में आते हैं हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़. देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ में आप जो भी बुक रिफर कर रहे हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चाहे आप हिस्ट्री की बात कर ले, ज्योग्राफी की बात कर ले, या उसके सोशल या ट्राइबल एस्पेक्ट्स की बात कर ले. जहां तक हम मेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन उसमें आता है. जैसे हम सभी को पता है कि सल्फी क्या है, सल्फी एक पेय पदार्थ है, लेकिन वही सल्फी पे एक क्वेश्चन मेंस में आ गया कि सल्फी को डिस्क्राइब करिए, तो आपके पास थोड़ा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि वो किसका पेय पदार्थ है, कैसे बनता है, कब बनाया जाता है, क्या कोई स्पेशल ओकेजन में बनता है, क्या किसी स्पेशल यू नो इंग्रेडिएंट से बनता है, लाइकवाइज. तो ऐसी चीजें हैं जो मेंस में आती है, आप उसके हिसाब से ध्यान रखेंगे. मेरे सजेशन में आपके लिए ये बुक है विच इज डेस्टिनी पब्लिकेशन की बुक अगेन. ये जो बुक है ये दो पार्ट्स में आती है, ध्यान रखिएगा, ये मेंस को रख के ध्यान में बनाई गई है. प्रीलिम्स के लिए भी अच्छी है लेकिन ये बेसिकली मेंस को ध्यान में रख के बनाई गई है. दिस इज द पार्ट वन जिसमें ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है एंड एग्रीकल्चर है छत्तीसगढ़ का. ठीक है, ये जैसे कि मैं कह रही हूँ आपको, ये मेंस को ध्यान में रख के बनाई गई है. मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें एग्रीकल्चर का सिर्फ डेटा नहीं दिया है, ये भी दिया है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी है, अगर हम अभी तक ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं, क्या लूपहोल्स है, हमें आगे कैसे उसको यू नो ठीक करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज लाई है, उसको सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. बेसिकली इस तरह से दिया है कि आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं. तो अगर आप ये दो बुक भी रेफर करते हैं तो आपका सीजी का ओवरऑल पूरा पोर्शन हो जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, और या फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इवन ट्राइबल वाला जो इशू है, मतलब कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, वो भी कवर हो जाएगा. अगर हम देखें तो ये जो बुक है इसमें आपका पार्ट टू जो है डेस्टिनी की, हिस्ट्री, ट्राइब्स, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पंचायती राज, ये सब कुछ है. एंड ये हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, बिकॉज इंग्लिश मीडियम में बहुत दिक्कत होती है, बुक्स अवेलेबल नहीं होती मोस्टली, लेकिन ये बुक इंग्लिश मीडियम ही है. जैसे आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम की तो अवेलेबल है ही विदाउट एनी डाउट, बट इंग्लिश मीडियम में भी है. तो इफ यू वॉन्ट टू रेफर यू कैन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. अगर आप हरिराम पटेल रेफर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ चीजें वहां पे बिल्कुल एकदम ऐसे फैक्ट के तौर पे दे दी गई हैं. जैसे हम मानसून की ही बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ का मानसून, अगर कल को आपसे पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ में जो विंटर में रेनफॉल होती है उसका कारण बताइए, तो आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है. आई थिंक आपको पता होगा, ये चीज आपको उन बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन मेंस की पर्सपेक्टिव से उस तरह से सोचना है तो हमें थोड़ी ऐसी बुक की जरूरत होती है जो चीजों को थोड़ी इलेबोरेट कर सके. आप टुटेजा की प्रतियोगिता सारांश भी ले सकते हैं, टुटेजा की जो बुक्स हैं वो भी बहुत अच्छी है, आप उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं. ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थी जो डेस्टिनी मैंने बताई, क्योंकि इंग्लिश में बुक्स बहुत कम है, तो अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इसको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं. ठीक है, और अपने नोट्स उस हिसाब से आप बना सकते हैं. नाउ ये तो बात हो गई पेपर थ्री की. ठीक है,
पेपर फोर पे आते हैं। पेपर फोर यानी कि आपका GS 2, इसका जो पार्ट वन है उसमें जनरल साइंस है। जनरल साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ है। आई विल सजेस्ट क्लास 10th की जो बुक होती है CG बोर्ड की, यूज कर लीजिए। अगर आप पहले से ही बायो स्ट्रीम के हैं देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और जो NCERT की बुक है वो पढ़ लीजिए। आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। आप उसी से अपना नोट्स बना लीजिए, अलग से कोई बुक मत लीजिए। आई वोंट सजेस्ट एनी बुक फॉर एनीथिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप प्रेफर कर सकते हो, अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है खरीदने की। NCERT और CG बोर्ड की बुक इट इज प्रिटी फाइन एंड दैट विल हेल्प यू आउट। बिल्कुल स्ट्रिक्ट सिलेबस के हिसाब से ही अपने नोट्स बनाइए। जो टॉपिक लिखा है उसको समझिए कि वो क्या है। आप YouTube की भी हेल्प ले सकते हैं सारे टॉपिक्स में। मैं कहूंगी आपको किस टॉपिक में डाउट आ रहा है नोट्स बनाते वक्त, YouTube की हेल्प लीजिए, गूगल की हेल्प लीजिए और उससे आप कर लीजिए। इसके लिए अलग से बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। सेकेंड आता है यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग। अगेन आपने प्रिलिम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग की बुक आई थिंक यूज की ही होगी। अरिहंत की बुक्स आती है रीजनिंग मैथ्स की, RS शर्मा की आती है मैथ्स की, RS अग्रवाल की आती है। कोई भी बुक जो भी आप यूज कर रहे हैं फाइन है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लीजिए और अगर कोई सम है कोई टाइप है नहीं बन रहा है तो यूट्यूब की हेल्प ले लीजिए, अलग से बुक मत खरीदिए, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक, कोई फॉर्मूला वगैरह है तो खुद से नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अलग से बुक इसमें भी जरूरी नहीं है। ठीक, अब हम इसके सेक्शन 3 की बात कर ले जहाँ पे अप्लाइड और बिहेवियरल साइंस है। कहने का मतलब है एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो किसी भी कोचिंग सेंटर का इंस्टीट्यूट का आप बुक इसमें ले सकते हैं। शंकर IAS के एनवायरमेंट की बुक बहुत ही फेमस है, वो भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बुक यूज करें प्लीज पे अटेंशन टू द सिलेबस। सिलेबस से ज्यादा मत पढ़ लीजिएगा किसी भी बुक से, जो सिलेबस में है उतने का ही नोट्स बनाइए, क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर चीजें आनी चाहिए जो सिलेबस में लिखी है, उससे ज्यादा नहीं चले जाना है। ठीक है, हर बुक में बहुत चीजें डिटेल में दी होती है, पहले देखिए कि आपको उस चीज की जरूरत है कि नहीं है। तो इसमें भी आपको किसी भी कोचिंग मटेरियल का, इंस्टीट्यूट अगर एनवायरमेंट का आपके पास है साइंस टेक का है तो आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं। अलग से आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी बुक फॉर दिस। ओके, नाउ कमिंग टू पेपर 5 विच इज ऑल्सो नोन एज GS 3। आपका जो सेक्शन 1 है वो है इकोनॉमिक्स का, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स ऑफ CG भी है। रमेश सिंह की बुक सभी कहते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, लेकिन आई थिंक रमेश सिंह की बुक बहुत ही बल्की है और इतना ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल लेवल के आते हैं, आप अगर NCERT से भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो प्रिटी फाइन है। एंड आई विल सजेस्ट कि आप नोट्स बना लीजिए, जो जो उसमें इश्यूज दिए हुए हैं या कहना चाहिए टॉपिक्स दिए हुए हैं आप उसके नोट्स बना लीजिए। पूरी रमेश सिंह मत पढ़िए, अगर आपके पास रमेश सिंह है भी तो उससे उन पर्टिकुलर टॉपिक के नोट बना लीजिए, और जिनके पास नहीं है डोंट वरी उसको भी पढ़ने मत बैठिएगा, बिकॉज उतना ज्यादा जरूरत नहीं है आपको उतना ज्यादा पढ़ने का या उतना ज्यादा डीप में जाने का। तो आप स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो कीजिए। जहां तक इकोनॉमिक्स ऑफ CG की बात आती है तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, आपको इकोनॉमिक सर्वे डेफिनेटली रेफर करना पड़ेगा। उसमें जो भी आंकड़े न्यू पर्टिकुलर डेटा जो भी दिया हुआ है बजट में इकोनॉमिक सर्वे में वो रेफर कीजिए, वो नोट डाउन करके रखिए। स्कीम्स से रिलेटेड है, पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम्स है, एडुकेशन रिलेटेड स्कीम्स है, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स है, जो भी कुछ है वो आप वहां से डेटा लेकर रखिए। और कभी कभी उसमें कॉजेस भी दिया होता है कि क्यों ये जो है आंकड़ा गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो उसको भी नोट करके रखिए कि क्यों नेगेटिव में जा रहा है। मान लीजिए कृषि अगर कभी एग्रीकल्चर नेगेटिव में गया तो क्यों गया, हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, इरिगेशन फैसिलिटी हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप अपने हिसाब से उसके थ्रू नोट करके रखिए। कोई अलग से इसमें बुक वगैरह की जरूरत नहीं। बाकी डेस्टिनी की बुक में जो एग्रीकल्चर से जो बेसिक पार्ट है यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि एग्रीकल्चर को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कंडीशन है इरिगेशन की, क्या कंडीशन है, ये सारा उसमें दिया हुआ है। वरना नॉर्मल भी जो इंडिया के लिए फॉलो होता है वो यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सेकंड आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए भी अभी नया नया सिलेबस में जुड़ा है, जब सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा हायर लेवल के नहीं आ रहे हैं। तो अगर महेश कुमार बर्णवाल के साथ आप कंफर्टेबल हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इन केस आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिर्फ NCERT लीजिए और नोट्स खुद से बना लीजिए। NCERT जो क्लास 11th की बुक है दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ इंडिया करके जो क्लास 11th की आपकी NCERT ज्योग्राफी की बुक आती है आई थिंक वो आप आराम से कर लेंगे। माजिद हुसैन या खुल्लर लेके मत बैठ जाना, उतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। सीइंग द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम इन द एग्जामिनेशन आई डोंट रियली सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट बुक। सो आप अपने नोट्स बना लीजिए फ्रॉम NCERT, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशियंट। एकदम से कोई मोटी बुक लेकर के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक वहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा
गूगल और यूट्यूब पे भी बहुत सारी आपको चीजें, बेसिक चीजें वहां पे दी हुई होती हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या है। जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय ही अगर है तो कैसे हुआ, ये आप यूट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको पूरी बुक ही पढ़नी पड़ जाए, आप उसके हिसाब से अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए अगर आपको महेश कुमार बर्णवाल से आप कंफर्टेबल हैं बिल्कुल पढ़िए, नहीं तो फिर एनसीईआरटी प्रिटी फाइन, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में पहले ही बता चुकी हूँ कि आप या तो डेस्टिनी ले सकते हैं या जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में सोचने की कोशिश कीजिए, जो जो वहां पे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर कोई मिनरल है मान लीजिए, तो वो मिनरल वहां पे क्यों पाया जा रहा है आपको पता होना चाहिए, रॉक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ कौन सा रॉक पाया जाता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है उनकी स्पेशलिटी क्या है। मान लीजिए अब लेटराइट सॉइल है बहुत ज्यादा, तो वो यूजफुल नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए, तो हम किस तरह से और उसको यूज कर सकते हैं ना, प्लांटेशन क्रॉपिंग हम उस पर कर सकते हैं, आपको पता ही है, उसके लिए इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होकर के सोचना पड़ेगा। ठीक, आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में वो चीज आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पेपर्स का एनालिसिस दे पाऊं एज सून एज पॉसिबल, है ना। सो ये हो गया आपका पेपर 5। ठीक, पेपर 6 में आते हैं, जैसे कि हम GS4 भी कहते हैं, इसका जो पार्ट 1 है या सेक्शन 1 है वो है आपका फिलोसफी। अब देखिए फिलोसफी ऐसा है कि इम्पोर्टेंट है, प्री के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है प्री में क्वेश्चंस आते थे। हाँ, इस बार आई थिंक यही क्वेश्चन आया है जो समाख्या फिलोसफी से था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन इस बार कम है, पर आपने मेरे ख्याल से प्री के हिसाब से भी तैयारी की होगी। जहां तक बुक सजेशन की बात आती है तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी, इस बार भी कर रही हूँ। एक ये डेस्टिनी पब्लिकेशन की है, पतली सी है, इंग्लिश में है ये वाली, हिंदी में भी आती है ऑफ कोर्स, बहुत पतली सी है, काफी है आपके लिए, ट्रस्ट मी काफी है। इसको आप पतली लग रही है लेकिन जब पढ़ने बैठो तो ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, बिकॉज ये फिलोसफी है, समझना पड़ता है, यहाँ पे आपको रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा, समझना पड़ेगा, समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पतली सी बुक है, आप आराम से बिल्कुल इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ा और डीप में समझना है इनकेस, तो एक ये दिल्ली IAS की है, ये हिंदी में है आई थिंक। ठीक है, इंग्लिश में मिलती है या नहीं ये अभी तक मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे ये इंग्लिश में मिली नहीं है। अब अगर मार्केट में आ गई होगी तो आई एम नॉट श्योर, यू कैन चेक, बट मैंने जब ली है तो ये हिंदी में मिली है मुझे, ये भी काफी अच्छी है, हालांकि काफी मोटी है उसके कंपेरिजन में, क्योंकि काफी डिटेल में इसमें चीजें जो है वो दी हुई है, लेकिन हाँ समझने के हिसाब से काफी अच्छी है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, अभी तक किसी बुक में इन्वेस्ट नहीं किया है आपने, तो आप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये जो डेस्टिनी की बुक मैंने आपको दिखाई काफी है, इसको कीजिए, 4 बार रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, आराम से फिलोसफी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझिए। सेक्शन 2 पे आते हैं, सोशियोलॉजी। अगेन डेस्टिनी पब्लिकेशन की पतली सी बुक है, सोशियोलॉजी की काफी है इतनी, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है सर, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशंस बिल्कुल याद कर लीजिए, याद रखिएगा सोशियोलॉजी में डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, जो भी चीजें, चाहे वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल डिवीजन है, वट एवर द थिंग्स आर, आपको उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बुक है काफी है, पतली सी, ज्यादा मैंने पहले ही कहा आपको रिसोर्सेज जितनी हो सके उतनी कम रखो। तो सोशियोलॉजी के लिए ये अच्छी है, ये हिंदी में भी आती है समाजशास्त्र के नाम से, तो आप ये बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें हमारे ट्राइब्स आती हैं, सोशल स्ट्रक्चर, मैरिजेस और जो हमारे फोक ड्रामा है, फोक डांसेस हैं, लोकगीत लोक नृत्य, तो वो सारे आते हैं। तो इसके लिए भी आप जो भी बुक रिफर करते हैं वो सब में ही डिटेल में दिया हुआ है, आपकी जैसी मर्जी, इवन हरिराम में भी दिया है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। डेस्टिनी लेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है, आपके कंपटीशन कम्युनिटी की छत्तीसगढ़ सार गर्भित आती है उसमें भी दिया हुआ है, जो भी कोचिंग में टूटे जा की आप रिफर करते, जो भी रिफर करते उसमें ही आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब ये पेपर 7 यानी कि GS5, देखिए ये एक थोड़ा सा ना ट्रिकी पेपर है, ट्रिकी इन द सेंस, एक तो ये लेंदी है, अगर हम इसके सिलेबस को चेक करेंगे तो ये लेंदी है, इफ यू रियली गो इन टू द सिलेबस डीप यू विल फाइंड कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, और ये क्योंकि अभी अभी जुड़ा है तो देखा जाए तो इससे रिलेटेड एक ही बार पेपर हुआ है ना, 2018 में सिलेबस चेंज हुआ, 2019 में मेंस का पेपर हुआ, अभी वाला तो मार्च में होगा, तो वी विल सी कि कैसा पेपर आया, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है ना। अब हम अगर इसके बुक्स की बात करें तो ये एक ही बुक है जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये डेस्टिनी पब्लिकेशन की एक बुक है जिसमें ये तीनों ही सेक्शन कवर्ड है। इसके सेक्शन 1 में है लेजिस्लेशन यानी कि लॉ, जैसे कि आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट है और राइट टू इंफॉर्मेशन है
और इस तरह के जितने भी एक्ट हैं है ना, वो सारे इसमें कवर्ड है। साथ में इसमें सीजी में जो एक्ट्स हैं, जैसे ट्राइबल एट्रोसिटीज वगैरह के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये सारे जो छत्तीसगढ़ में चलते हैं वो है, और साथ में छत्तीसगढ़ की पॉलिसीज है, मतलब छत्तीसगढ़ ने एडुकेशन के लिए क्या योजनाएं निकाली हैं, हेल्थ के लिए क्या निकाली हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या निकाली, एक्सेट्रा, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज उसने निकाली है अभी तक या योजनाएं बनाई है, उससे क्वेश्चन आता है। हाँ, ये चीज हमें देखने को मिली है प्रीवियस ईयर में कि लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आया था। इनफैक्ट मेनली जो क्या कहना था, इंक्लाइनेशन था या फिर जो क्वेश्चन थे वो हमें जो छत्तीसगढ़ की पॉलिसीज से थी वो ज्यादा देखने को मिली, यानी कि योजनाएं। तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए, चाहिए तो टॉपिक में डिवाइड करके बनाइए कि विमेन्स के लिए कौन सी है, हेल्थ के लिए कौन सी है, एडुकेशन के लिए कौन सी है, या फिर कहना चाहिए जो मैरिजेस के लिए है, बच्चियों के लिए है वो कौन सी है, वृद्ध लोगों के लिए है तो वो कौन सी है। इस तरह से अगर आप खुद से नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ताकि आप उसको लिख पाए। ठीक है, इसी के पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि यूएन हो गया, डब्ल्यूटीए हो गया, आईएमएफ हो गया, उससे रिलेटेड, और साथ ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल सा है, कह नहीं सकते क्या आ जाएगा, तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना जरूरी है, मतलब उनका स्ट्रक्चर, साथ ही उनका पर्पस और ऑफ फॉर्मेशन या ऑब्जेक्टिव, और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब वो क्या क्या करते हैं, है ना। यूएन अगर फॉर्म हुआ है तो क्या पर्पस से हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिकली उसका रोल और अभी तक की उसकी अचीवमेंट्स क्या है। ठीक है, और इंडिया के साथ उसका रिलेशन कैसा है, ये तो आप, ये सब वैसे प्री के लिए भी थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं कि इंडिया किसका मेंबर है किसका नहीं है, पर थोड़ी डिटेल में आपको इसको मेंस के लिए पढ़ना है। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में मैं क्या बोलूं, जो करंट इवेंट्स में स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या है, कैसे होता है, किससे रिलेटेड है, कौन से कप किसके लिए दिया जाता है, कौन से ओलंपिक्स में क्या है, गेम्स जो भी है उसके बारे में आप जो थोड़ा है थोड़ा बहुत जानकारी रख सकते हैं, है ना। पेपर इसी में पेपर सेवन में सेक्शन थ्री की बात करें तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट से डील करता है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, जैसे कि यूजीसी हो गया आपका और एनटीसी हो गया, या डिफरेंट है और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन सेक्टर में काम करती है वो हो गया, और साथ ही में ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट, यानी कि इसने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की है, क्योंकि स्किल्ड रिसोर्सेज की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, आप सभी को पता होगा इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज है अभी, अगर हम बात करें मैनफोर्स की, वर्कफोर्स की, तो ये उसी स्किल डेवलपमेंट की चीज को यहाँ पे लेता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी भी है, करंट से भी काफी हद तक रिलेट करता है। देखिए, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो कहीं, और हम यूजीसी वगैरह को हटाने की बात कर रहे हैं, एक न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी भी आ रही है, एनआरए, है ना, तो ये सारी चीजें पार्ट थ्री में आ जाती है, तो काफी हद तक इसमें हलचल होती रहती है इस पर्टिकुलर जो टॉपिक से, उनमें कुछ ना कुछ नया होता रहता है, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी अमेंडमेंट हो गया उसके स्ट्रक्चर में, आपको पता है। तो वैसे तो आपको करंट से अपडेट रहना ही है, जो भी चीजें उसमें आ रही हैं अगर उसका कुछ वहां पे रिलेशन में है तो आप नोट करिए। बुक से अगर आपको पढ़ना है कुछ चाहिए तो ये बुक एक बुक है जिसमें कि तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे और भी दो चार बुक्स अवेलेबल है, ऑफकोर्स हर कोचिंग सेंटर की अवेलेबल है, लेकिन हमें रिसोर्सेस कम से कम करनी है, जितनी कम हो सके। तो ये एक बुक है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, क्योंकि ये बुक तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी ले सकते हैं, दिस इज अगेन डेस्टिनी पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपका पेपर सेवन जो है वो कवर कर देगी। ध्यान रखिएगा कि पेपर सेवन में हमेशा आपको करंट से अपडेट रखना है अपने जो नोट्स हैं उसको, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, मान लीजिए यूएन के ही बनाए हैं, यूएन ने ही अभी कुछ अगर मान लीजिए नई रिपोर्ट लॉन्च कर दी है, कुछ भी नया की है, तो वो वहां पे आप अपडेट लिख दीजिए, क्योंकि ये आंसर्स में अच्छा, आपकी आंसर्स में सामने वाले पे अच्छा असर डालता है अगर आप न्यू डेटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरी बुक लिस्ट की बात यहाँ पे आपसे कर दी। अब मैं कुछ एडिशनल चीजें बोलना चाहती हूँ। पहली चीज है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस आपको करना ही है, उनको सॉल्व आपको करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि एक मॉडल आंसर्स की तरह आपको लिखना है, जो पूछा गया है उसका मॉडल आंसर। मान लीजिए पूछा गया है कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था या सोशल सिस्टम कैसा था, वो आपने लिख लिया। अब आप एक आकलन कर सकते हैं कि अगर आज सोशल सिस्टम पूछा है, कल को एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछ सकता है, आर्ट एंड कल्चर भी पूछ सकता है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी पूछ सकता है ना। और जैसे कि अभी मैं, जैसे अगर समुद्रगुप्त का जो विक्ट्री कैंपेन है मान लीजिए वो पूछ दिया, छत्तीसगढ़ में सोमेश्वर का, जजलदेव प्रथम का आपसे विक्ट्री कैंपेन पूछा था, कल को अलाउद्दीन खिलजी का भी पूछ सकता है, अकबर का भी पूछ सकता है, औरंगजेब का भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा खासा विक्ट्री कैंपेन किया है, इधर उधर जाकर के अच्छा खासा
साम्राज्य का विस्तार किया है, तो वह आप उस तरह से नोट्स बिल्कुल बनाएंगे। थर्ड चीज है बुक, आप एक बार जब शॉप में जाते हैं दो चार बार दो तीन बुक को पढ़ के ऐसे थोड़ा सा देखिए कि आप उसकी लैंग्वेज से कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जस्ट बिकॉज किसी ने सजेस्ट किया हम उठा के बुक ले आते हैं, लेकिन फिर हम उसको पढ़ते हैं तो ना वो चीजें हमें ठीक से समझ में आती है और ना हमारा इंटरेस्ट जनरेट होता है, उस केस में फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, ठीक है। ये जो सारी बुक मैंने सजेस्ट की, ये मैंने पढ़ी थी, मुझे लगा आपको हेल्प मिलेगी तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप डेली दो आंसर्स तीन आंसर्स लिखिए। अगर आप बिगिनर हैं, मान लीजिए आप नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, 21 के लिए 22 के लिए, आपके पास सफिशियंट टाइम है, आराम से आप एक दिन में दो आंसर्स तीन आंसर्स लिख सकते हैं। अगर वो लोग हैं जो इस बार का प्री दिए थे और उनको लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा, तो आप तो बिल्कुल लग जाइए, एक दिन में चार से पांच आंसर आराम से लिखिए। फोकस करिए जो बड़े आंसर्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस में, दो तीन मार्क्स के तो आप फिर भी लिख लेते हैं, आपको डायरेक्ट लिखने होते हैं 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में, पर जो बड़े क्वेश्चंस हैं 8 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स जहां पे आपको थोड़ा इलैबोरेटिव लिखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल अभी से करने लगिए। और जिनका अभी अभी मेन्स है, मतलब जो पिछले बैच वाले जिनका 15 मार्च से आई गेस स्टार्ट हो रहा है, वो तो आई एम प्रिटी श्योर अपनी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अच्छे से कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिवर्ट बैक करूंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। कोशिश करूंगी कि मैं इन पेपर्स का एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आ पाऊँ ताकि आप समझ पाए ट्रेंड जो है क्वेश्चन का, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी उसकी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।